नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे भोपाल से, जहां तीन सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में शामिल नौसेना, थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों नेताओं के वरिष्ठतम अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय सेना की रणनीति, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता सहित अन्य विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कुशाभा ठाकरे सभागृह में आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम। तो तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नौसेना, थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम जो अधिकारी हैं इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसकी अगवानी करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। जाहिर है अपने आप में ये बहुत खास है, और इसकी अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। नौसेना, थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के वरिष्ठतम अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कुशाभा ठाकरे सभागृह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय डूंगर देवे हमारे समेता लाइव जुड़ गए हैं। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आ रहे हैं क्योंकि कंबाइंड कॉन्फ्रेंस कमांडर आज होने वाली है। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल उषा, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचने वाले हैं, उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अगर मैं आपको अभी बता दूं, जब मैं स्पॉट पे खड़ा हूं, अभी राज्यपाल भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो कॉन्फ्रेंस है, जो कमांडेंट संयुक्त कमांडेंट कॉन्फ्रेंस है, उसको लेकर आज जो कुशाभाऊ ठाकरे हैं और ठाकरे हॉल है, उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारी यहाँ उपस्थित है। अधिकारियों के साथ देखा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता यहाँ कर रखे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के तीनों सेना अध्यक्ष आज राजधानी उपस्थित है। आज उनकी एक तीनों सेना अध्यक्षों की एक बैठक है जो संयुक्त कमांडेंट कॉन्फ्रेंस के नाम से है। वहीं देखा जाए तो अगर आने जाने वक्त लोगों के लिए भी जिस प्रकार से चेकिंग करी जा रही है या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो अधिकारी हैं वो जो भी अंदर प्रवेश करना चाहता है उसको लेकर भी यहाँ पे एक एक चीज की चेकिंग करी जा रही है, चाहे एम्बुलेंस हो या अन्य कोई भी पर्सन अगर अंदर जाना चाहता है तो उसकी भी यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और उसको लेकर भी यहाँ पे तैयारियां हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारे अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और तीनों सेना अध्यक्ष भी रहेंगे। जिस प्रकार से जानकारी है कि 9:30 बजे इनका जो लाल परेड मैदान एयरपोर्ट से आकर लाल परेड पे आएंगे, लाल परेड से वो कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचेंगे। इसके बाद उनका राजभोपाल में लगभग 4 से 5 घंटे का उनका सफर रहेगा। जी। साथ ही संजय, आपसे जानना चाहेंगे पूरा प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी होता है, और उनके अलावा भी बहुत सारे VVIPs आ रहे हैं। जाहिर है ट्रैफिक का दबाव भी होगा, तो पूरा प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है संजय? बिल्कुल,
बिल्कुल बुशरा, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो उस प्रकार से जो यहाँ पे तैयारियों की बात कर ली जाए, प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए, तो आम जनों को लेकर भी रोड डाइवर्शन किया गया है। और उनके साथ साथ जिस प्रकार से व्यवस्था की बात करूँ जाए तो आज, क्योंकि एक आज हिंदुस्तान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक सबसे बड़ी शान की बात यह है कि तीनों सेनाध्यक्ष, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राजधानी में उपस्थित है, उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। अगर देखा जाए तो कहीं पे भी जिस प्रकार से तैयारियों की बात करूं तो कहीं पे जो आधे जाने वाले लोग हैं जिन्हें कहीं निकलना है उसको लेकर भी यातायात को सुगम बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और प्रोटोकॉल भी ये कह सकते हैं कि आज अगर देखा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, राजधानी में आज पूरी तरह से आज छावनी में तब्दील हो गई है, क्योंकि तीनों सेना अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो यहाँ पर ये देख कह सकते हैं कि चौराहे चौराहे पे भी हम फौजी कमांडर को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि उनकी किसी की यहाँ पे सुरक्षित रह सके, और सुरक्षा से ही ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। जी चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां आज भोपाल को वंदे भारत का तोहफा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, भोपाल से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 3:15 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई जाएगी। रानी कमलापति का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज यात्रियों के लिए प्रतिबंध रहेगा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म का टिकट काउंटर भी बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। स्टेशन के दूसरे गेट बीएचईएल साइड से यात्रियों को प्रवेश मिल पाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और लगातार हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, एक बड़ी सौगात आज से भोपालवासियों को मिलेगी, न सिर्फ भोपालवासियों को बल्कि प्रदेशवासियों को, क्योंकि वंदे भारत आज लॉन्च होने वाली है। कार्यक्रम से जुड़ी क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल बुशरा, अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, ये लगभग 3:30 के लगभग यहाँ से रवाना की जाएगी। जिसमें अगर देखा जाए तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कुशाभाऊ ठाकरे से ये जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पे यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे हेलीपैड से, फिर उसके बाद जो रानी कमलापति स्टेशन है वहाँ पर पहुँचकर हरी झंडी दिखाएंगे। अगर उसमें बात कही जाए तो आज जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बच्चों को काफी उत्साहित करते हैं, और आज कई बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं आज उनसे क्वेश्चन आर करेंगे। यही कमलापति स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन निकाली जाएगी उसमें बच्चों के साथ सफर करेंगे, और बच्चों के साथ ही बच्चों को भी क्वेश्चन आंसर होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो आज हरी झंडी देने के बाद जब ये जो वंदे भारत ट्रेन के जब रवानगी होगी तो अपने आप में एक मध्य प्रदेश भी एक गौरवान्वित होगा, क्योंकि वंदे भारत की यहाँ पे शताब्दी चलती थी, शताब्दी के बाद एकमात्र ऐसी फास्ट ट्रेन है जो वंदे भारत के रूप में आज आम जनों को मिलने वाली है। जी चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, आज भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें अलर्ट मोड पर राजधानी भोपाल है। 3 किलोमीटर एरिया में ड्रोन लगा दिए गए हैं, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था में 3,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात जवानों को आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य करना होगा। रानी कमलापति स्टेशन, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल, रविन्द्र भवन और लाल परेड ग्राउंड अति सुरक्षा जोन में है। आज संयुक्त कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं।